ये कालूरा राम जी हैं और बैनाड से बैनाड में रहते हैं। इनका अभी 3.5 महीने पहले ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन भी हो चुका है और इनको जो है चोट यहाँ कलाई में देखने को मिली थी। अभी इनका जो है जो कलाई है, इनका जो एल्बो जॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा मसल वेस्टिंग हो जाने की वजह से, ठीक है, थोड़ा सा इनका मसल गर्द यहाँ कम होने जैसे इनका जो कैरी एंगल है वो बढ़ा हुआ इनको नज़र आ रहा है, जो कि ये जो कैरी एंगल है ये दोनों नॉर्मल है इनका, ठीक है ना। और दूसरी बात, जब इनकी यहाँ चोट लगी थी, यहाँ चोट लगी है तो यहाँ पर जो इनकी हाथों की जो नसें हैं, जो नर्व्स होती हैं, थोड़ी सी इनकी क्या तो फुल्ली कट या पार्शियल कट में इनको देखने को मिल रही है, ठीक है। थोड़ी सी इनकी क्या है, जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो इनकी जो है मसल्स और टेंडन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। पर इनकी जो MCP जॉइंट है, ठीक है, वो सारे अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं। साथ में इनका जो DIP और जो PIP जॉइंट्स हैं वो भी इनके काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हैं, ठीक है। इनको जो है थोड़ा बहुत सेंसेशन लॉस भी हुआ है इंडेक्स फिंगर का और थम का। साथ में इनका क्या है कि जो ये गैप जो है, ठीक है, ये जो थम वाला जो गैप जो है, थम के तले क्या हो, थम वाली थम थम ऐसा करो, ठीक है, जो ये गैप जो है थम के और इसके बीच का जो गैप जो है, ये इनका क्या है थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। तो इनको क्या है, इस जॉइंट के लिए इनको और अच्छे से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। जितना जितना ये इनका दूसरे हाथ का जो जॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पर इनको स्ट्रेस फील होगा पूरा, तो इनको स्ट्रेस लेना है, ठीक है, और इस जॉइंट की इनको थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हमारा रोल ये रहेगा कि इनके जितने भी जॉइंट्स हैं, ठीक है, वो सॉफ्ट सॉफ्ट रहे, साथ में इनका PIP जॉइंट भी सॉफ्ट रहे और इनकी जो मसल जो है वो भी इनका काफ़ी अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए सर्जरी के बाद फिर इनको अगर जॉइंट सॉफ्ट रहेगा तो सर्जरी के बाद इनको ज़्यादा इनको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी।